हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी खेती या किस में क्या का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे फर्स्ट है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर में जो है अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगूर की खेती का अध्ययन। दूसरा है एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। तो एस्ट्रोलॉजी जो होता है उसमें हम लोग करते हैं अध्ययन मानव पर जो ग्रह नक्षत्र है उसके प्रभाव का अध्ययन। थर्ड आता है एपिकल्चर। तो एपिकल्चर जो है इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। किसमें? एपिकल्चर में। चौथा नंबर है ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर में हम लोग सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन करते हैं। तो ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन करते हैं। पांचवा है कैलोलॉजी। तो कैलोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मनुष्य के सौंदर्य का। छठा नंबर कर रहा है कि पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन। सातवां है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में जो है हम लोग रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। आठवां नंबर है सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो भूकंप का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो भूकंप का। तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं। और विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो अंगूर के खेती का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो बता ही दिए किसका, तो मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। नौवां का है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। दसवां है मरीकल्चर। तो मरीकल्चर में हम लोग समुद्री जीवों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। मरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? समुद्री जीवों के उत्पादन का अध्ययन। ग्यारहवां का है पीसीकल्चर। तो पीसीकल्चर में हम लोग मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन करते हैं। पीसीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन करते हैं। बारहवां का है ओर्निथोलॉजी। तो ओर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ओर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का। तेरह नंबर को कह रहा है कि न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तंत्रिकाओं का। फोर्टीन नंबर कह रहा है कि सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो वन कृषि का अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? वन कृषि का। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। पंद्रह नंबर कह रहा है आर्बोरिकल्चर। तो आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो आर्बोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान के। सोलह नंबर कह रहा है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में जो है हड्डियों का अध्ययन करते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हड्डियों का। ठीक है। एपिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो मधुमक्खी पालन के। सत्रह नंबर का है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी में जो है ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड का। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। और ओर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का। ठीक है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते थे? तो फलों का। तो कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? खगोलीय पिंडों का। अब 19 नंबर का रहा है कि हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो फल फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन करते हैं। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फल फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अब पोमोलॉजी में किसका करते हैं? तो फलों का अध्ययन करते हैं। 20 नंबर करें एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में जो है कीट पतंग का अध्ययन करते हैं। 21 नंबर करें
फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो फूलों की कृषि का अध्ययन करते हैं। तो फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, फूलों की कृषि। अब एक बार सबको याद कर लेना है। कैलोलोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो मनुष्य के सौंदर्य का। ओनियोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन करते हैं। ओलिविकल्चर में जैतून की कृषि का अध्ययन करते हैं, ये भी याद करते जाना, ठीक है ना। सिल्वीकल्चर में वन कृषि का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन करते हैं। सेरिकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं और फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू।